Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मिशन 400 पार का नारा दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 400 पार है, मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और 400 पार हम 400 पार से भी ऊपर जाएंगे। कि तीन दिन से हम बड़े ऊंचाइयों पर हैं, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अभी कल सीकरी में थे, कुम्हेर में थे, रूपबास में थे, रूपबास में भी रोड शो किया, और आज हमारे भरतपुर ज़िले में कि भरतपुर से शहर में कुम्हेर गेट से लेकर के कलेक्ट्री तक रोड शो रहेगा। पूरे भरतपुर ज़िले के लोकसभा के लोग आएंगे। मैंने लिफ्ट परियोजना जो चंबल लिफ्ट परियोजना होती है धौलपुर से लेकर के भरतपुर तक की, उस योजना के लिए मैंने बहुत कुछ कोशिश की, और लिफ्ट परियोजना के तहत यहाँ पानी आया, और रेलवे का अपडेट कराया मैंने, जैसे बयाना, धौलपुर, मंडावर, मऊ और हिंडौन और भरतपुर। हम सबसे ज़्यादा मार्जन देंगे बयाना से, नदबई से, भरतपुर से, वैर से, और कठुमर से, और नगर से। मात्र 3 दिन रहे हैं, प्रथम चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भरतपुर में हम बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली। 19 तारीख को कोहली साहब मतदान होना है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्या विश्वास है आपको और उम्मीद क्या है, खासकर जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और कि आज मैं आपके बीच में हूँ। 19 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, वो अब इस तरह से चुनाव की उछाल आ रहा है कि 3 दिन से हम बड़े ऊंचाइयों पर हैं, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अभी कल सीकरी में थे, कुम्हेर में थे, रूपबास में थे, रूपबास में भी रोड शो किया, और आज हमारे भरतपुर ज़िले में कि भरतपुर से शहर में कुम्हेर गेट से लेकर के कलेक्ट्री तक रोड शो रहेगा। पूरे भरतपुर ज़िले के लोकसभा के लोग आएंगे और रोड शो में शामिल होंगे। 2004 से 2005 तक आप सांसद रहे हैं बीजेपी के, आपको अनुभव है सांसद का, और आप ऐसे क्या लगता है कि वो काम जो 5 वर्ष में बहुत वर्ष पहले अधूरे रह गए थे, नई कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको करने होंगे? मैं जब 2004 से 2009 तक था तो विपक्षी सरकार की थी, और वहाँ मनमोहन जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, सॉरी। तो वहाँ मैंने लिफ्ट परियोजना जो चंबल लिफ्ट परियोजना होती है धौलपुर से लेकर के भरतपुर तक की, उस योजना के लिए मैंने बहुत कुछ कोशिश की, और लिफ्ट परियोजना के तहत यहाँ पानी आया, और रेलवे का अपडेट कराया मैंने, जैसे बयाना, धौलपुर, मंडावर, मऊ और हिंडौन और भरतपुर। अपग्रेड करने से क्या होता है कि ये बहुत 40-45 साल इनकम के आधार पर उसको अपग्रेड नहीं करते, मैंने लेटेस्ट वहाँ इनकम निकलवा के और अपग्रेड करवाया, जिससे स्टेशनों का विकास हुआ। मैंने मेवाड़ ठहरवाई, मैंने इंदौर इंटरसिटी ठहरवाई, जो पहले भरतपुर और महावीर जी ठहरती थी, उसको बयाना हिंडौन ठहरवाया। इसी तरह से मरधर हमारी मंडावर नहीं ठहरती थी, उसको मैंने ठहरवाया। और दूसरा, अब मेरा विजन है कि डीग से लेकर के कामा कोसी होते हुए दिल्ली के लिए ट्रेन चले, और बयाना वैर भुसावर होते हुए खेड़ली या बांदीकुई तक की ट्रेन मतलब लाइन से जुड़े, जिससे व्यापारियों के लिए लाभ मिले, और एक भरतपुर से लेकर आगरा तक की एमयू जो ट्रेन है वो चलती रहे, आती जाती रहे, ये मेरा दम। क्या लगता है, मिशन 400 पार का नारा दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार है, मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और 400 पार हम 400 पार से भी ऊपर जाएंगे। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस में होती है, संजना जाटव हालांकि बहुत कम उम्र है, टक्कर कितनी मानते हैं? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही हर जगह है, और पार्टियां तो कुछ नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा है जो संजना को टिकट दिया है वो ऐसे ही दिया है, टिकट लेने वाले तो भजन लाल जाटव था, अब और ये पुराने नेता थे, रतन सिंह था, लेकिन मजबूरी में जब इन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया तो बेचारी संजना को उन्होंने दे दिया टिकट। अच्छा, 8 विधानसभा सीट हैं आपके इलाके में, कठुमर भी है उसमें अलवर की, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आपको ऐसा लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मार्जिन लेकर के आओ? हम सबसे ज़्यादा मार्जिन देंगे बयाना से, नदबई से, भरतपुर से, वैर से, और
कठुमर से और नगर से। तो ये हैं रामस्वरूप कोहली, पहले भी सांसद रह चुके हैं, पहले बयाना लोकसभा सीट थी, रिजर्व थी, लेकिन पर्ची मन के बाद उसको हटा दिया गया, भरतपुर बना दी गई। 2004 से 9 के बाद रहे, लेकिन उसके बाद फिर मौका नहीं मिला। लंबे समय तक बीजेपी आरएसएस में काम करते रहे, यही वजह रही कि इनको फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। टक्कर बता रहे हैं खूब ज़्यादा है, बीजेपी कांग्रेस की ही होती है, हालांकि बीएसपी का भी प्रत्याशी है, लेकिन कोई खास ज़्यादा परफॉर्मेंस के चांस फिलहाल नहीं लग रहे हैं। अब मिशन 400 पूरा करना है, राजस्थान की 2500 सीटों को स्वीप करना है, जिस तरह का बीजेपी के नेता वादा कर रहे हैं। चुनाव का प्रथम चरण 19 को होने जा रहा है, देखते हैं जनता का मूड क्या होता है।